Hello dear students, welcome you on General Study Preparation YouTube channel. This is the only channel where you get every kinds of content for all kinds of competitive examination. Today we'll discuss about the directive principle of state policy. You are preparing for HPS, Allied Service Exam, NAP, TGT, Arts, PGT, Political Science, Public Administration, Economics. Then this topic is also very important because directive principle of state policies is very important topic, and if we are talking about in these days of welfare states, then definitely directive principle of state policy must be in the consideration of forming any kinds of plans, any kinds of policies, any kinds of schemes by the center as well as state government. So we'll move with the directive principle of state policy mentioned under part 4 of the Indian Constitution, Bhag 4, Bhartiya Samvidhan K, article 36 se leke 51 tak hame directive principle of state policies dekhne ko milti hai. Baat kare directive principle of state policies ki, to basically jo directive principle of state policy hai उसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और इसके बाद इसकी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मुलेशन है, उसमें अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली है. उसके बाद 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद की जो वेलफेयर एक कॉन्सेप्ट था हमारे लीडरशिप के माइंड में कि हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें राज्यों को ऐसे दायित्व देने जरूरी थे जिसके माध्यम से सरकार और एक राज्य लोगों के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बेहतर से बेहतर स्कीम्स और पॉलिसीज को बना सके. तो ऐसे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करने जरूरी थे जिससे कि सरकार को हम अगर कंपेल ना कर सके तो उनको एटलीस्ट इतना सक्षम बना सके कि वो लोगों को या लोग सरकार से अपने कल्याण के लिए नीतियों को बनाने के लिए बातचीत रख सके. तो ऐसे प्रारूपों को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इनिशिएट किया गया. और साथ ही साथ जो महात्मा गांधी का एक कॉन्सेप्ट था वेलफेयर स्टेट, उसको भी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में समझने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द directive principles of state policies in the background. Directive principle of state policies are guideline to the state which has been written in the constitution. ये क्या है? राज्यों के लिए एक दिशा निर्देश है, एक गाइडलाइन है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में निहित है. और साथ ही साथ बट यू कांट कंपेल द स्टेट, here is written that कि आप state को या राज्यों को compel नहीं कर सकते for the enforceability in a court of law, कि आपको जो directive principle of state policies में mention किया गया है कि उसको आपको provide किया ही जाए. अगर government सक्षम नहीं है किसी एक particular point of view में आपको कोई services देने में, तो आप उनको court में नहीं enforceable कर सकते. While the fundamental right is enforceable in the court of law, अगर हम fundamental right यानी कि मौलिक अधिकारों की बात करें तो उनको आप court से enforceable करवा सकते हैं. Directive principle is a set of instructions that have to be followed by the lawmaker while making the policy of the welfare, या लोगों के कल्याण के लिए जितनी भी नीतियों का निर्माण किया जाता है तो उस समय हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को ध्यान में रखना होगा. ये किसमें कहा गया है? ये हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में मेंशन किया गया है. उसके बाद नेक्स्ट है कि द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज. व्हाट आर द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट और इंपॉर्टेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज? इतनी महत्वपूर्ण क्यों कंसिडर किया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को? तो उसके पीछे का जो ऑब्जेक्ट बिहाइंड ऑफ द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या आप कह सकते हैं डीपीएसपी के पीछे
गवर्नमेंट को एक तरह से ये गाइडलाइन देता है, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आप इसको क्या कह सकते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज कह सकते हैं। जितने भी राज्य नीतियों का निर्माण करेंगे उनके लिए एक तरह से ये दिशा निर्देश होंगे कि किस तरह की आपकी नीतियों का निर्माण होना चाहिए, कैसे आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, वो सब चीजें किसमें निहित है, हमें किसमें हमें देखने को मिलती है, डीपीएसपी में देखने को मिलती है। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इज द वेलफेयर। मेन पॉइंट क्या है कि जो भी डीपीएसपी है वो वेलफेयर की बात करता है, कल्याण की बात करता है। कल्याण किसका, लोगों का, स्टेट का, राज्यों का। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डीपीएसपी इज टू अचीव द गोल ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड द एम ऑफ डीपीएसपी इज टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सिटीजन, यानी कि सामाजिक आर्थिक जो कंडीशन है लोगों की उसमें सुधार करना और लोगों को एक अच्छी लाइफ, गुड लाइफ प्रोवाइड करना। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डीपीएस। एंड बिसाइड ऑफ दिस द डीपीएसपी एक्ट एज अ चेक एंड बैलेंस फॉर द गवर्नमेंट सो दैट इन द अपकमिंग इलेक्शन अ सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। यानी कि हमें इस तरह से मोल्ड किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को कि लोगों को एक इवैल्यूएशन करने का मौका मिल सके कि किन पॉलिसीज को सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए बनाया और कितना वो कारगर सिद्ध हुई, ताकि आने वाले इलेक्शन में सरकार को चुनते वक्त यानी कि वोट कास्ट करते वक्त हर इंडिविजुअल ये ध्यान रख सके कि किस सरकार ने उनके वेलफेयर के लिए काम किया है और किस सरकार ने उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं किया। जिस सरकार ने उनके लिए वेलफेयर यानी कि कल्याणकारी नीतियों का निर्माण किया है उनके लिए पब्लिक वोटिंग करेंगी, और जिन्होंने अगेंस्ट में काम किया है तो उनको वो एस्केप कर सकती है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड द डीपीएसपी। देन कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज सोशल एंड इकोनॉमिक। फर्स्ट कि सामाजिक और आर्थिक तौर पे भी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को विभाजित करते हैं। इसमें आर्टिकल 38 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस, एंड आर्टिकल 38 क्लॉज 1 सेज दैट इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दिस इज मेंशनड अंडर आर्टिकल 38 क्लॉज 1 दैट इट इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट यानी कि सरकार, सरकार यानी कि गवर्नमेंट की, सरकार की ये कोर जिम्मेदारी रहेगी कि लोगों के लिए कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करे, उनके सामाजिक आर्थिक आधार को मजबूत करे। एंड सोशल ऑर्डर इंक्लूड्स द लॉज एंड ऑर्डर एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पब्लिक ऑर्डर एंड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। That's why it is the responsibility of the state to maintain public peace, public safety and public order. These three key points are important in the Article 38, Clause 1. Next is principle of policy to be followed by the state for securing economic justice. That is under Article 39. Of the Indian Constitution, directs the states to follow the principle while making policy for the citizen. इसमें आर्टिकल 39 जो अनुच्छेद 39 है वो ये दिशा निर्देश देता है कि जब भी सरकार किसी भी तरह की पॉलिसीज बनाए तो उसमें लोगों के कल्याण के लिए पॉलिसीज बने। इसमें कहा गया कि मैन एंड वुमेन विल हैव एन इक्वल राइट इन द मींस ऑफ, यानी कि जीविका उपार्जन में आदमी और औरत को दोनों को समान अधिकार रहेगा। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल टू द कॉमन पीपल। ये क्या है कि
खास तौर से सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि जो ऑनरशिप है या कंट्रोल है, ऑनरशिप और कंट्रोल दो वर्ड्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, किसका मटेरियल यानी कि संसाधन जो हमारे पास संसाधन है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स विच मीन्स मैन एंड वुमेन विल हैव टू गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। किसी भी तरह का शोषण ना हो किसका, मैन और वुमेन के बीच काम को लेकर, ऐसा ना हो कि किस समान काम के लिए समान कार्यों के लिए आदमी को ज्यादा रेम्यूनरेशन दिया जाए, आदमी को ज्यादा सैलरी दी जाए और औरत को उसमें कम सैलरी दी जाए या वुमेन्स को कम सैलरी मिलती है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो प्रिंसिपल है वो भी हमें आर्टिकल 39 में देखने को मिलता है। एंड द स्टेट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड वर्कर, ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान, इसका बच्चों और कामगारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी सरकार की जिम्मेदारी रहेगी या राज्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज बी, आल्सो कवर मटेरियल रिसोर्सेज फॉर पर्पस ऑफ डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी लाइक रोड प्लेग्राउंड ब्रिज एटसेट्रा। दिस इज द आर्टिकल 39। And now we'll move with the next social security character. Equal justice and free legal aids to economically backward classes. देखिए हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि आर्थिक और सामाजिक तौर से पिछड़े हुए हैं। जो सामाजिक तौर से पिछड़े हुए वर्ग हैं, सामाजिक यानी कि उनको समाज में एक समान दर्जा नहीं है या उनको सामाजिक रीति रिवाजों से कुचला गया है, दबाया गया है, तो उनके लिए एक समान न्याय की व्यवस्था करना, साथ ही साथ फ्री में मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करना, ये भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एंड आर्टिकल 39 क्लॉज ए, आर्टिकल 39 क्लॉज ए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि It is the duty of the state to provide free legal aids to all citizens of the country and it is the responsibility of the state to make provision and schemes regarding free legal aids to so that economically backward classes can take the benefit of that. Legal aid and speedy trials is now a fundamental right which comes under Article 21 of the Indian Constitution. Even all prisoner can enjoy this right. तो हमने यहाँ पे देखा कि under Article 39A के माध्यम से सरकार को इसलिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग से हो, यदि वो पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए फ्री में मुफ्त में कानूनी सहायता प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ यदि कोई प्रिजनर भी है तो उनके लिए भी ये एक समान रूप से सहायता दी जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द सोशल सिक्योरिटी कैरेक्टर ऑफ द डीपीएसपी। देन कम्स द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40। जब हम आर्टिकल 40 की तरफ मूव करते हैं तो वहां पे हमने कॉन्सेप्ट देखा कि अब हमें जरूरत थोड़ा सा ग्रास रूट डेवलपमेंट की है। ग्रास रूट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हमें इनिशियल स्टेज से, ग्राउंड लेवल से वर्क ऑफ प्रोग्रेस चाहिए। प्रोग्रेसिव एक्टिविटी हम ग्राउंड लेवल से बना सकते हैं, उसमें सबसे सहायता अगर कुछ कर सकती है हमारे देश में, भारत में, तो वो विलेज पंचायत कर सकती है। आर्टिकल 40 सेज दैट पंचायती राज सिस्टम शुड बी देयर। क्या चाहिए हमें? पंचायती राज सिस्टम। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू टेक ऑल द स्टेप्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज। पंचायती राज इज अ पिलर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लोकल
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पंचायत राज इलेक्शन इज द ग्रास रूट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ऑल द मेंबर ऑफ द पंचायती राज आर इलेक्टेड बाय द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड पंचायती राज सिस्टम राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम कौन सी स्टेट कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया वो था राजस्थान दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये एंड द इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन ये भी पूछ लिया जाता कि पंचायती राज सिस्टम के जो चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं तो वो करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा सो स्टेट इलेक्शन फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड द फंड्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कौन फंड कहां से आता है पंचायती राज सिस्टम को बेटरमेंट देने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन से आता है एंड पंचायती राज सिस्टम हैज बीन इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट इन 1992 एंड नेक्स्ट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बलवंत राय कमेटी द पंचायती राज सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री टायर्स मींस विलेज पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद दीज आर द थ्री टायर्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम सो नेक्स्ट इज राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन cases. It is mentioned under Article 41. Article 41 says that in Indian Constitution says that the state has the duty to provide employment. कि राज्यों के क्या responsibility रहेगी कि वो रोजगार प्रदान करे, शिक्षा प्रदान करे, education and to provide help to those who are unemployed and those who can't take care of themselves like old age people. अब जैसे old age pension मिलती है वो भी किसका पार्ट है आर्टिकल 41 का पार्ट है जहां पर हमें लगता है कि कोई सिटीजन हमारे देश का असमर्थ है अपने लिए रोजी रोटी कमाने में तो वहां पर सरकार को आगे आके उनके लिए बेटरमेंट या उनके लिए रोजगार देना जरूरी है ये आर्टिकल 41 से हम कह सकते हैं आर्टिकल 42 क्या कहता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क यानी कि न्याय होना चाहिए साथ ही साथ काम करने की जो मानवीय कंडीशन है या मानवीय व्यवहार है वो जरूरी है आर्टिकल 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू डेवलप द कंडीशन ऑफ ह्यूमन एंड प्रोवाइड मैटरनिटी रिलीफ आल्सो अ लिविंग वेज फॉर वर्कर आर्टिकल 43 सेज अ लिविंग वेज फॉर वर्कर रेफर टू द लिविंग वेज फॉर द वर्कर व्हिच मींस दैट द स्टेट हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू make a provision regarding the wage of the worker and wage should be as such that he can maintain all the basic necessities like clothes, food, shelter. Article 43 के माध्यम से यानी कि अनुच्छेद 43 के माध्यम से सरकार को इसलिए भी responsible बनाया जाता है कि आप लोगों के लिए इतनी capacity पैदा करें कि वो अपने लिए रोटी कपड़ा और मकान बना सके और दो वक्त की अपने लिए कमा सके ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अंडर आर्टिकल 43 उसके बाद इसमें कहा गया है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री अब यहाँ पे क्या है जो औद्योगिक प्रबंधन है उसमें वर्करों का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया गया ताकि जो हमारा कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर है उसको बढ़ा सके उसको एनहेंस कर सके वो हमें मिलता है पढ़ने को आर्टिकल 43 ए में ठीक है सो आर्टिकल 43 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री आर्टिकल 43 ए सेज दैट थ्रू द लेजिस्लेशन स्टेट हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर ऐसा ना हो कि जो मैनेजमेंट है वो विदाउट आस्किंग फ्रॉम द वर्कर अपनी मनमानी से अपनी डिस्क्रिमिनेटरी नेचर से पॉलिसीज बनाए उनके लिए नीति निर्देशन करे या डायरेक्शन दे उसमें वर्कर का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है साथ ही साथ इसी माध्यम से इसके जो एग्जांपल हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि काफी सारे ट्रेड यूनियंस बनते हैं या डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनियंस ग्रुप्स बनते हैं तो जो वर्कर को प्रेजेंटेशन करने का मौका देते हैं
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मिलता है यहाँ पे देखने को यूनिफॉर्म सिग्निफिकेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको अलग से एक चैप्टर के तौर पे भी समझना जरूरी है, बट हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसी लेक्चर सीरीज में कंप्लीट कर लेते हैं। दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन ऑल स्टेट मस्ट बी ब्रॉट इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ लॉ, यानी कि पूरे राज्यों के लिए, पूरे सरकार, जितनी भी हमारी सरकार है या हमारा देश है, उस पूरे देश में एक ही कानून की व्यवस्था हो। सो इसमें क्या कहा गया कि विच वॉज पब्लिश्ड इन इंडियन एक्सप्रेस ऑन 29 अक्टूबर 2020, इट टॉक्स अबाउट द इंप्लीमेंटेशन एंड इशू रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल एनेबल टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी इसको हम एक्रोनिम्स में बोलते हैं, एंड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया द डिजायरेबिलिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज कंसिस्टेंट विद ह्यूमन राइट एंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फेयरनेस एंड जस्टिस। यूनिफॉर्म सिविल कोड से हम क्या एक्सेस कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड से इक्वालिटी यानी कि समानता, फेयरनेस और जस्टिस की बात कर सकते हैं। आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 द सेंट्रल फैमिली लॉ एक्ट वाज एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्दो दिस इज अनदर स्टेप टुवर्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी थ्रू आउट इंडिया, स्टिल A long distance is to be covered in this pursuit. अब हम यहाँ पे समझेंगे कि what is the UCC? UCC का मतलब है Uniform Civil Code का मतलब है formulation of one law for India, यानी कि पूरे देश के लिए एक ही कानून, which would be applicable to all religious community in matters such as marriage, divorce, inheritance and adoption. कि ऐसे कानून का निर्माण किया जाएगा जो कि सभी धर्मों के लोगों के लिए मान्य होगा और खास तौर से उसमें हमारे जैसे विवाह शादी जैसे संबंध है या तलाक जैसे संबंध है या इनहेरिटेंसेस है जो हम पैतृक रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं या अडॉप्शन है कि कोई चीज हम अडॉप्ट करते हैं, उन सभी के लिए इक्वल प्रोसेस और इक्वल लॉज, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। And the code comes under Article 44 of the Constitution, which lays down that the state shall endeavor uniform civil codes for the citizen throughout the territory of India. Is it clear? Now we'll move with the next background of the civil code. अगर हम इसकी origin की बात करें, date back to the colonial India, when the British government submitted its report in 1835 and stressing the need for uniformity in the codification of Indian laws relating to crime, evidence and contract, specifically recommending the personal laws of Hindus, Muslims and kept outside the codification. An increase in legislation dealing with the personal issues in the far end of the British rule forced the government to form the B and Rao Committee to codify Hindu law in 1940. ठीक है, B and Rao की कमेटी बनाई गई 1947 में और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आप इस लेजिस्लेशन के ऊपर सर्च करें एंड बेस्ड ऑन दीज रिकमेंडेशन जो बी एन राव की रिकमेंडेशन आई अ बिल वाज देन अडॉप्टेड इन 1956। तो 1956 में उसी बेस पे एक बिल को अडॉप्ट किया गया एज द हिंदू सक्सेशन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू इन स्टेट और अनविल्ड सक्सेशन among Hindu, Buddhist, Jain and Sikh. However, there were separate personal law for Muslim, Christian and Parsis. In order to bring uniformity, the court have often said in their judgment that the government should move toward a uniform civil code. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि देखिए जैसे हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात कर रहे थे तो हम वहां पर ही इसको यूनिफॉर्म भी कर सकते, कोर्ट में केसेस चले, कोर्ट की जो जजमेंट रही वो मैक्सिमम टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम ये है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करें। द जज इन द शाह बानो केस इज वेल नोन बट द कोर्ट हैव मेड द सेम पॉइंट इन सेवरल अदर मेजर जजमेंट। नेक्स्ट इज अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो
यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बट बार बार इसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश की जाती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू किया जाए। प्रोटेक्शन टू वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पहला जो पॉइंट है क्या है हमारे पास, प्रोटेक्शन टू द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखिए जब हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कानूनी तौर पर सही से सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाई, तो उनको सुरक्षित करने के लिए हमें कुछ ठोस और कड़े कानून बनाने की जरूरत है। तो द यूसीसी एम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वल्नरेबल सेक्शन एज एनविसेज्ड बाय द अम्बेडकर, इंक्लूडिंग वुमेन्स एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, व्हाइल आल्सो प्रमोटिंग नेशनलिस्टिक फेवर थ्रू यूनिटी। सेकेंड पॉइंट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज, द कोड विल सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स लॉज अराउंड मैरिज सेरेमनीज inheritances, successions, adoptions, making them one for all. देखिए different different laws हैं हमारे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम लॉज, हिंदू लॉज, तो उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए और कम करने के लिए और जो हमारी कानून व्यवस्था है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, इजी टू मेंटेनेबल करने के लिए हमें यूसीसी की जरूरत है। एंड उसके बाद इसमें हम देखें तो यहाँ पे देखता है कि द सेम सिविल लॉ विल देन बी एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ व्हेन, ठीक है, एनएक्टेड द कोड विल वर्क टू सिंप्लीफाई लॉज दैट आर सेग्रीगेटेड एट प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स लाइक द हिंदू बिल कोड, शरिया लॉज एंड अदर्स। फिर ये सारे के सारे लॉज खत्म हो जाएंगे, फिर ओनली एंड ओनली द लॉ विल बी यूनिफॉर्म सिविल कोड adhering to the ideals of secularism. फिर यहाँ पर अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने में सक्षम हो जाते हैं तो उससे हम जो आइडियल्स हमारा आदर्श है सेकुलरिज्म का वो भी फॉलो करने में हम सक्षम हो सकते हैं। सेकुलरिज्म इज द ऑब्जेक्ट एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल्स, अ सेकुलर रिपब्लिक नीड्स अ कॉमन लॉ फॉर ऑल सिटीजन रादर देन डिफरेंशिएटेड रूल्स बेस्ड ऑन द रिलीजियस प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज जेंडर जस्टिस, इंडिया as separates sets of personal laws for each religion governing marriage, divorce, successions, adoptions and maintenance. So this is the requirement of that time, that we need uniform civil code for the purpose of improving the condition of vulnerable section, simplifies the law and adhering the ideals of secularism and gender justice. These are the key points. Then comes the next part, challenges to UCC, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। तो इसमें देखिए एक्सेप्शंस इन द सेंट्रल फैमिली लॉ, द प्रिलिमिनरी सेक्शंस इन ऑल सेंट्रल फैमिली लॉज एक्ट एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट सिंस इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्स दैट दे विल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया except state of Jammu and Kashmir. A second exception was added in 1968 in all these acts pronouncing that nothing herein contained shall apply to the renunciations in the union territory of the Puducherry. ठीक है, यहाँ पर भी देखिए पहला तो हमारे पास जम्मू कश्मीर वाला मसला था जो कि अब सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा मसला क्या है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पॉन्डुचेरी में भी एक स्पेशल काइंड ऑफ एक्ट पास कर दिया गया है 1968 में, जो भी एक महत्वपूर्ण कंडीशन पैदा कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड एक्सेप्शन कि नन ऑफ दिस एक्ट अप्लाइज इन गोवा दमन एंड दीव, यहां पर भी है। एंड फोर्थ एक्सेप्शन है रिलेटिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ नागालैंड मिजोरम एमनेट्स फ्रॉम आर्टिकल 371A एंड 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्रीइंग दैट no parliamentary legislation will replace the customary laws and religion based system for its administration. ठीक है, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो वहां पर भी उनको आर्टिकल 371A एंड 371G के माध्यम से स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है कि उनके जितने भी कस्टमरी ट्रेडिशनली जो कस्टम्स वो फॉलो करते हैं या ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं तो उनको
किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए, उसमें स्पेशली नागालैंड एंड मिजोरम जैसी स्टेट्स प्रमुख है। उसके बाद आता है कॉम्युनल पॉलिटिक्स। द डिमांड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज बीन फ्रेम्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्युनल पॉलिटिक्स। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सी इट एज अ मेजोरिटेरियनिज्म अंडर द गैप ऑफ सोशल रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल इज दैट अंडर आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट सीक्स टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। Any religion gets into conflict with the concept of equality enshrined under Article 14 of the Indian Constitution. Next, we can say that what could be the way forward. तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? Collaborative approach अपना सकते हैं। Collaborative approach का मतलब क्या है? The government and the society will have to work hard to build trust, but more importantly, make common cause with social reformers rather than religious. Conservatives, bricks by bricks approach. दूसरा पॉइंट क्या? Bricks by bricks approach का मतलब है कि rather than an omnibus approach, the government could bring separate aspects such as marriage, adoptions, successions and maintenance into a uniform civil codes in a state. कि एकदम से सब कुछ सिंगल यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए हम एकदम से लॉज में इतना बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले धीरे धीरे कुछ एक चीजों को इंप्रूव करें, जैसे कि मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया या मेंटेनेंसेस हो गया, तो उनको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में लाए और इंप्लीमेंट करें। उसके बाद आता है जेंडर सेंसिटिव अप्रोच। द गवर्नमेंट वुड आल्सो डू वेल टू कम्प्लीमेंट द ओवरड्यू मूव टुवर्ड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड विद कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ सेवरल अदर लॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर जस्टिस एंड पैन इंडिया अप्रोच। Bringing Jammu and Kashmir into the country's mainstream of family law is an exercise that needs to be undertaken also for Goa, Daman, Diu, Pondicherry, Nagaland and Mizoram. जिस तरह से हमने जम्मू एंड कश्मीर को मेनस्ट्रीम ऑफ कंट्री में लाया है, उसी तरह से हमें गोवा, दमन, दीव, पौंडीचेरी और नागालैंड को भी मेनस्ट्रीम ऑफ द कंट्री में लाना पड़ेगा, तब जाके हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कंक्लूजन है, इसमें कंक्लूजन में इतना ज्यादा कोई डिस्कशन जैसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कम्स द पार्ट ऑफ प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट्स टू मेक प्रोविजन रिगार्डिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टिल एज ऑफ 14 ईयर। ये कहाँ पे हमें मेंशन है? आर्टिकल 45 अंडर डीपीएसपी, हालांकि 2009 में, ठीक है, इसको फंडामेंटल राइट के तौर पे भी दिया गया है 86th अमेंडमेंट एक्ट। सो इन द रीजन बिहाइंड द फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इज टू इरेडिकेट द इलिटरेसी रेट, ठीक है, यानी कि जो हमारी साक्षरता दर है उसको बढ़ाने के लिए हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन करना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 46। इसमें क्या चीज मेंशन की गई है? इसमें कहा गया कि प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। जो हमारे समाज के वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग है, उनका शैक्षणिक और आर्थिक स्तर को बढ़ावा देना आर्टिकल 46 में कहा गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द पावर टू स्टेट टू डू प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य कोई भी ऐसा वर्ग हमारे समाज का जो कि आर्थिक और सामाजिक तौर से या शैक्षणिक तौर से पिछड़ा हुआ है, तो उनके लिए सरकार निश्चित तौर से महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण करे ताकि उनका कल्याण हो सके और उनको किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके और किसी भी तरह का उनके साथ अन्याय ना हो। आर्टिकल 47 सेज दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू इंप्रूव द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे स्वास्थ्य के ऊपर बात की गई है आर्टिकल 47 में, यानी कि जो हमारा 47 नंबर का अनुच्छेद है उसमें यह कहा गया है कि जो हमारा न्यूट्रिशन लेवल है उसको मेंटेन किस लेवल से करना है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से करना है। जो एक
जरूरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उतना न्यूट्रिशन सभी व्यक्ति को मिले। एंड इट आल्सो मेक एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ पब्लिक, यानी कि पब्लिक हेल्थ को भी इंप्रूव करना जरूरी है। एंड स्टेट हैज द पावर टू प्रोहिबिट ऑल इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स व्हिच आर हार्मफुल फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमन। तो किसी भी तरह के ड्रिंक्स या ड्रग्स को बैन करना कोई सरकार के लिए बड़ी बात है। Next is promotions of cooperative society. This is here under Article 47 that the promotion of cooperative society has been added by the 97th Amendment 2011. The state has the responsibility to promote cooperative societies. Cooperative society includes the management, control and function. देखिए cooperative societies बनाने के पीछे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ऐसी बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो फाइनेंशियल तौर से या एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके अदर वेलफेयर ऑफ वेमेन्स एंड चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही है और समाज में बहुत कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करके समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है या लोगों को अवेयरनेस दे रही है डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज की, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स की, या उनको आर्थिक सहायता, सामाजिक सहायता देने की पूरी कोशिश की जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से। कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लेज एन क्रूशियल रोल राइट नाउ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द ऑब्लिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। And Article 48 also directs the state to prohibit the slaughtering of cows and calves and another dairy animal. This is mentioned under Article 48. Article 48 में क्या दिया गया है कि सरकार चाहे तो जो cows है, गाय है या बछड़ा है या कोई अन्य दुधारू पशु है उनकी, ठीक है, slaughtering करना, उनको मारना प्रतिबंधित किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो रहेगा आपका 48A अनुच्छेद 48A प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें क्या कहा गया, दो पॉइंट को इसमें कवर किया गया है कि हमारे जंगल है या जंगली जो जीव जंतु है उनकी सुरक्षा करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप। क्या करना है, जरूरी जो कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाने की कोशिश की जाए किसके लिए, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एनिमल। इन द एमसी मेहता केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द स्टेट हैज अ रिस्पांसिबिलिटी टू टेक स्टेप्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, एमसी मेहता के केस में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्य है वो पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल है to take improvement in the quality of polluted water, जो कि दूषित जल है उसमें गुणवत्ता में सुधार लाना भी राज्यों का काम रहेगा। उसी तरह से जो अनुच्छेद 49 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 49 says that protection of monument and places and objects of national importance। जितने हमारे राष्ट्रीय इंटरेस्ट के या आप कह सकते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी मॉन्यूमेंट्स है या स्थान है, प्लेस है, उनकी सुरक्षा करना भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ग्रांट्स द पावर टू स्टेट्स टू टेक केयर ऑफ एंड प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल प्लेस। स्टेट आल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज सेपरेशंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 of the Indian Constitution talks about the separation of judiciary from executive। जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसको कार्यकारी व्यवस्था से अलग करना है। And judiciary is an independent body। जो हमारी न्यायालय व्यवस्था है वो स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए। And the guardian of the Constitution is judiciary। जो संविधान का guardian होगा, सुरक्षा प्रदान करने वाला जो संस्था रहेगी वो कौन रहेगा, हमारा जुडिशरी रहेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट रहेगा, हमारा हाई कोर्ट रहेगा, मेनली सुप्रीम कोर्ट। इट इज द एग्जीक्यूटिव विल स्टार्ट वर्किंग
इफ द क्या कहा गया है, इफ द एग्जीक्यूटिव स्टार्ट वर्किंग लाइक जुडिशरी देन देयर विल बी क्लैश ऑफ पावर, दैट्स व्हाई आर्टिकल 50 सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अगर हम जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव को भी या कार्यकारी जो हमारी व्यवस्था है अगर उसको भी न्यायिक व्यवस्था वाले अधिकार दे दिए जाते हैं तो उनमें पावर में जो उनकी पावर का डिवीजन है उसमें क्लैश उत्पन्न हो सकता है जो कि सही नहीं होगा। However, in some cases, judicial functions are performed by the executive, like in the appointment of judges, they are appointed by the executive. Promotions of international peace and security. इसमें कहा गया है आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट प्रमोशंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी विद अनदर कंट्री। जो हमारे अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है और शांतिपूर्वक जो हम वार्तालाप दूसरे राज्यों या दूसरे देश के साथ बनाए रख सके ये भी हमारे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हमारे राज्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अंडर आर्टिकल 51। इट इज responsibility to all the states to maintain good relation with another country and good relation with another country help the state to in many ways. अगर हमारे अन्य राष्ट्र के साथ या पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध होंगे तो वो हमें बहुत सारे manner से beneficial होगा। And there are many international laws and treaties that were signed between the two states so that it is the obligation on the state to respect or obey all the treaties and international laws. It also says that if any disputes arise between the two states, then it is the responsibility of the states to settle the dispute by attribution. Next is conclusion. You can't deny the importance of the DPSPs and it plays equivalent role. You can't adore the direct principles just because it is not enforceable in the court of law, rather than they are the guiding principles for the state. And it is the responsibility of the state that these principles should be applied. And while it is the time of making law, however, it is not enforceable in the court of law, but the direct principle of state policy is the backbone of the fundamental right. The main reason behind the direct principle of state is to strengthen the condition of the people. And it is just like structure and policy through which the government makes the law. Nowadays, there are many direct principles which are taking the shapes of fundamental right. So this was the topic of DPSP. Hope so you have understood everything about the DPSP, and if you find any kinds of problem, doubts, you can comment under the this lecture. So thank you to watch this video.